सबसे पहले बात और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं ये नई चीज़ नहीं है कोई अगर टू पोर्ट नेटवर्क फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ते नहीं तो भी आप सर्किट एनालिसिस को कर सकते हो आराम से सर्किट को एनालाइज कर सकते हो बट ये बेसिकली हमारी अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है फॉर uh, एग्जांपल बहुत सारे सर्किट्स दे रखे हैं बीजेटी एक ही में बीजेटी दे रखा है मॉसफेट भी दे रखा है बहुत सारे है, उसमें केविल केसीएल ना लगा के और इंटरल स्ट्रक्चर हमें बेसिकली uh, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है ठीक है इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स uh, ही चाहिए तो वहां पे ये बहुत मतलब हेल्पफुल रहता है देखेंगे कैसे तो सबसे पहले लेट मी डिफाइन व्हाट इज़ पोर्ट सो पेयर ऑफ टर्मिनल्स थ्रू विच करंट में एंटर और लीव ए नेटवर्क इज नोन एज ए पोर्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल uh, जैसे अगर मैं बताऊं एक पोर्ट की बात करूं सपोज दिस इज एनी नेटवर्क ओके दिस इज एनी नेटवर्क and it has two terminals okay suppose a current enters i1 okay in this in, uh, this network and the same current is leaving this network okay Agar 5 ampere current is going and current. बेसिकली बाहर आ रहा है आई वन दैट मीन्स दैट दिस नेटवर्क इज डिफाइंड एज वन पोर्ट नेटवर्क ओके वन पोर्ट मतलब दो टर्मिनल्स होंगे एक तो टर्मिनल वन एंड टर्मिनल टू अगर टर्मिनल वन में अंदर करंट आई वन एंटर कर रहा है और टर्मिनल टू में से करंट आई आई वन ही सेम ही करंट बाहर आ रहा है दैट मीन्स दिस बेसिकलीफाइन दिस सर्किट इज डिफाइंड एज पोर्ट ओके और इट्स दिस इज वन पोर्ट ओके This is one port. Now, for example, examples of one port uh, register. You have studied register. See, it has two terminals. Okay, see. Okay, if I is current, 5 ampere current is flowing through this resistance, the same current will be coming out from this register. This is one port network. Similarly, capacitor, similarly, inductor. These are all one port networks. Now, uh, what are two port networks? Let me define it. Okay, two port network, uh, it means it will be having, suppose this is a network, this is one port, one port, and this is another port. It means if I1 is current flowing.

के अंदर कुछ भी है आपका सर्किट है कॉम्प्लेक्स सर्किट भी हो सकता है एक सर्किट हो सकता है दो सर्किट हो सकता है एक कैपेसिटर हजार कैपेसिटर हो सकते हैं मॉस्फेट हो सकते हैं है ना ओके सो ये पोर्ट हुआ आई वन करंट अंदर जा रहा है तो आई वन बाहर होगा सिमिलरली अगर इस नेटवर्क के अंदर बी साइड में भी अगर आई करंट अंदर एंटर कर रहा है और आई करंट बाहर जा रहा है इस टर्मिनल से तो एक तो पोर्ट ये हुआ और एक पोर्ट कौन सा हुआ दिस मींस दिस इज कॉल्ड टू पोर्ट नेटवर्क ये क्यों यूज आता है वो मैं देखूंगा बताऊंगा आपको अब देखो ये कोई नेटवर्क है इसके अंदर इनपुट जा रहा होगा सो दिस ए साइड इज कॉल्ड इनपुट टर्मिनल ओके एंड दिस साइड इज कॉल्ड आउटपुट टर्मिनल जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रांसफॉर्मर देखा होगा ट्रांसफर पैरामीटर्स के दो होते हैं ठीक है इनपुट और आउटपुट तो उसको हम बेसिकली में तोड़ सकते हैं इनपुट साइड और आउटपुट साइड तो ट्रांसफॉर्मर इज ए टू पोर्ट नेटवर्क सी अगर आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मर याद होगा दिस इज आई वन एंड दिस इज वी वन वोल्टेज दिस इज वी टू एंड दिस इज आई टू ओके और यही आई वन घूम के इधर आई वन आ रहा है वापस प्राइमरी वाइंडिंग से और यही आई टू सो इसको ये जो बीच का ट्रांसफॉर्मर है हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नेटवर्क से बस इस नेटवर्क सो so, इस नेटवर्क हमारा क्या है ट्रांसफॉर्मर आई वन वी वन मेरे इनपुट पैरामीटर्स हैं आई टू वी टू मेरे आउटपुट पैरामीटर्स हैं ओके तो आप समझ में आ गया व्हाट इज वन पोर्ट एंड व्हाट इज टू पोर्ट नेटवर्क हम बेसिकली पढ़ रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क ओके टू पोर्ट नेटवर्क क्यों पढ़ रहे हैं सो एनी टू टर्मिनल डिवाइसेज और सच एज रजिस्टर कैपेसिटर्स आर रिजल्ट इन वन पोर्ट नेटवर्क मैंने आपको बता दिया ठीक है और ज्यादातर जो भी सर्किट है वो हमने अभी तक जितने पढ़े हैं वो सारे वन पोर्ट नेटवर्क ही है ठीक है है वन पोर्ट पोर्ट समझ में आ गया क्या होता और वन पोर्ट क्या होता है टू पोर्ट क्या होता है ओके सो दिस इज अ वन पोर्ट नेटवर्क उसी कंडीशन यही है कि भाई एक दो टर्मिनल्स होंगे और उसी टर्मिनल्स में अगर आई करंट जा रहा है तो उसी दूसरे टर्मिनल से आई करंट अगर सेम करंट आता है दैट मीन्स इट इज पोर्ट ओके सो अब फोर टर्मिनल की बात करें अभी तो टू टर्मिनल था फोर टर्मिनल सी दिस इज एनियन नेटवर्क ये V1 और I1 वन करंट एंटर कर रहा है I, I1 बाहर भी निकल रहा है इसी दूसरे टर्मिनल से सिमिलरली I2 टू यहाँ पे एंटर कर रहा है और I2 बाहर निकल रहा है ठीक है ध्यान रखने वाली चीजें दिस इज कॉल्ड टू पोर्ट नेटवर्क और ऐसे बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं बहुत सारे सपोज मैंने यहाँ पे भी पोर्ट बना दिया फॉर एग्जाम्पल ओके एक यहाँ पोर्ट बना दिया ओके okay. ये थर्ड पोर्ट हो गया ये फोर्थ पोर्ट हो गया दिस आर कॉल्ड मल्टी पोर्ट नेटवर्क ठीक है अंदर मुझे सर्किट से कोई मतलब नहीं कॉम्प्लेक्स है मुझे डील नहीं करना मुझे सिर्फ ये बताना है कि मैंने इनपुट कितना दिया और आउटपुट मुझे क्या मिला तब ये बहुत बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए काम में आता है ठीक है इट इज नॉट कोई अलग कोई थ्योरम नहीं है कुछ भी नहीं है केवीएल और केसीएल से ही बना हुआ है ये पोर्ट इज एन एक्सेस टू द नेटवर्क एंड कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स एंटरिंग वन टर्मिनल लीव द अदर टर्मिनल सो दैट द नेट करंट एंटरिंग द पोर्ट इज इक्वल टू जीरो आईवन करंट यहां जा रहा है आईवन तो नेट करंट जो पोर्ट के अंदर जा रहा है जीरो टू पोर्ट नेटवर्क इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विद टू सेपरेट पोर्ट्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट हम नॉर्मली ये देखते हैं कि इनपुट कितना दिया आउटपुट कितना आया मिला तो इनपुट के लिए आपको एक ये दो टर्मिनल चाहिए आउटपुट के लिए दो टर्मिनल चाहिए इसलिए हम टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे सो दस टू पोर्ट नेटवर्क हैज टू टर्मिनल पेयर एक्टिंग एट एक्सेस पॉइंट्स अब इस फिगर के अंदर आप देख रहे हो करंट एंटर कर रहा है वन टर्मिनल पे और दूसरे टर्मिनल से लीव कर रहा है वो जो पोर्ट की कंडीशन है वो मैंने फुलफिल कर रहा है ठीक है अब एग्जांपल अगर टू पोर्ट नेटवर्क का आपको मैंने ट्रांसफॉर्म बता दिया एक एग्जांपल और बताता हूं आपने पढ़ चुके हो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ रहे हो ट्रांजिस्टर दैट इज बीजेटी ओके जैसे ये एमिटर है आपका एंड दिस इज माय बेस फॉर एग्जाम्पल बी एस ओके ऐसे बेस uh, को मैंने कॉमन कर दिया ओके और दिस इज माई कलेक्टर फॉर एग्जाम्पल एंड दिस इज माई अमीटर ओके सो दिस इज वन पोर्ट इनपुट पोर्ट एंड दिस इज आउटपुट पोर्ट ये आप सर्किट पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से एग्जांपल ऑफ ए टू पोर्ट नेटवर्क इज बीजेटी आल्सो ट्रांजिस्टर ओके नाउ ना अब ये बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं, हम टू पोर्ट नेटवर्क के लिए उसका पहला रीजन है सच नेटवर्क्स आर यूजफुल इन कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आते हैं ये टू पोर्ट नेटवर्क तो अगर टू पोर्ट नेटवर्क को हम बार बार केवीएल के सी एल लगाए बीच बीच का जो इंट्रास्ट्रक्चर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है इनपुट आउटपुट से मतलब है तो मैं एक आसान जो भी है उस सर्किट को एनालाइज करने का एक आसान तरीका ढूंढ रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज दैट इज विध देल्प ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें दूसरा रीजन है नोइंग द पैरामीटर्स ऑफ ए पोर्ट नेटवर्क एनेबल्स टू टीट एज ए ब्लैक बॉक्स ये हमने मान लिया कि ये ब्लैक बॉक्स है अंदर जो है ये ब्लैक बॉक्स है इसका मुझे कोई मतलब नहीं ब्लैक बॉक्स मतलब कुछ भी हो सकता है इसके अंदर इट मे कंसिस्ट ऑफ बीजेटी ट्रांज, ट्रांजिस्टर मॉस रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर जिससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है मुझे सिर्फ ये देखना है इनपुट करंट इन इन्प, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ओके okay. सो so, हम उसको मान सकते हैं टू पोर्ट नेटवर्क से हम मान सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स अंदर मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं है वेन एम्बेडेड विथ ए लार्ज लार्जर नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्क बन सकते हैं ठीक है अब आप देख रहे हो इसके कितने पैरामीटर्स हैं। अगर मैं बात करूं अगर कितने पैरामीटर्स हैं, चार हैं। एक तो इनपुट करंट होगा इनपुट वोल्टेज होगा, होगा और आउटपुट वोल्टेज होगा और आउटपुट करंट होगा ओके चार पैरामीटर्स हैं। अब इन कॉम्बिनेशन को लेके मैं कितने बेसिकली आपके कॉम्बिनेशन बना सकता हूं तो हम जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सिक्स है कैसे वो देखते हैं भाई आप दो वेरिएबल इसमें के अंदर आपके आ, जो ये पैरामीटर्स हैं एक तो होगा इनपुट इनपुट पैरामीटर एक आउटपुट पैरामीटर अब दूसरा क्लासिफिकेशन होगा एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर लेट मी रब दिस तो मेरे पास चार पैरामीटर्स हो गए आपको समझ में आ गए पैरामीटर्स v1 i1 दैट इज इनपुट पैरामीटर एंड v2 i2 आरमर आउटपुट पैरामीटर्स नाउ v1 और i1 सपोज नाउ

V1 और V2 क्या कहलाएंगे? क्यों किस पे वो डिपेंड कर रहे हैं I1 और I2 दोनों current पे depend कर रहे हैं। और इनडिपेंडेंट पैरामीटर कौन कहलाएंगे मेरे I1 और I2 जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे ठीक है सो टू कैरेक्टराइज द टू पोर्ट नेटवर्क दैट वी रिलेट द टर्मिनल्स क्वाटिटीज V1, V2, I1, I2 इन फिगर आउट ऑफ विच टू आर

करंट 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 एंटर 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 कर 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 रहा है। Similarly, V2 कर रहा है. 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 का साइन देख लीजिए और और दोनों रहे रहे हैं. हैं? ध्यान रखना. Okay? Positive terminal से. ठीक इसी के लिए हम basically, और कितने, uh, net, parameters, network हम कितने कौन कौन से वो देखेंगे तो आज हम दो पढ़ लेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सो फर्स्ट पैरामीटर इज इज कॉल्ड इम्पिडेंस पैरामीटर इंपिडेंस पैरामीटर ओके okay. और दूसरा है, इसका जस्ट ऊपर उल्टा Z होता है ऐसे ही इसका उल्टा क्या होता है Y Y इज नथिंग बट वन अपॉन Z ओके दैट इज एडमिटेंस पैरामीटर अब ये बेसिकली काम काम में आ जाते हैं जितने भी फिल्टर्स हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आते हैं ठीक है दे आर आल्सो यूजफुल इन डिजाइन एनालिसिस ऑफ मैचिंग नेटवर्क एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इम्पिडेंस मैचिंग क्या होती है अभी दो भी सपोज दो नेटवर्क हैं एन वन नेटवर्क है ओके सपोज दिस इज नेटवर्क एन वन टू पोर्ट नेटवर्क ही ले रहे हैं और ये एन टू नेटवर्क है ओके okay. अब इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है ये कनेक्ट आप कर लो चलो इसको इस नेटवर्क इस को इससे कनेक्ट कर दो इससे कनेक्ट कर दो तो अगर इसका इम्पिटेंस 100 ओम है फॉर एग्जांपल आउटपुट इम्पिटेंस और इसका इनपुट इम्पिटेंस 50 ओम है तो आपस में मैच नहीं खाया तो ढंग से इनके इम्पिटेंस मैच नहीं खाए तो पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा याद अगर आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियोरम

वोल्टेज uh, ड्राइवन uh, आप कुछ भी ले सकते हो वोल्टेज ड्राइवन सर्किट भी ले सकते हो या करंट ड्राइवन सर्किट भी ले सकते हो मतलब वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हो और करंट सोर्स भी ले सकते हैं तो दोनों ले रहा हूं मैं देखो फर्स्ट लीनियर नेटवर्क V1 वोल्टेज और V2 वोल्टेज I1 करंट इज एंटरिंग I2 करंट इज एंटरिंग ओके ये दोनों एंटर कर रहा है नाउ ये I1 इसके अंदर एंटर कर रहा I2, है I2 देखो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब इसके अंदर जो टर्मिनल्स हैं डिपेंडेंट टर्मिनल्स और इंडिपेंडेंट टर्मिनल कौन कौन से हो मैं डिफाइन कर रहा हूं v1 एंड v2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट और किस पे डिपेंड कर रहे हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे दैट इज i1 एंड i2 ओके okay? सिमिलरली v2 भी क्या होगा फंक्शन होगा किसका i1 और i2 का ओके दिस इज v1 वन एंड वी टू आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स वेर आई वन एंड आई टूर आर कोल्ड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स ओके अब वो कैसे देखते हैं अब आप जानते हो एक फॉर्मूला सिंपल इंपिटेंस में V इज इक्वल टू आई जेड यही होता है सिंपल ओके okay, ये तो आपने पढ़ा है ऑम्स लो वही हम यहां अप्लाई करने वाले हैं तो ये बीच वाला जो नेटवर्क है मुझे नहीं पता है लीनियर नेटवर्क में क्या है इसके इंपिटेंस पैरामीटर निकाल रहे हैं हम पूरे नेटवर्क को तो ये इक्वेशन हमेशा फुलफिल करेगी ये याद रखो ये एक याद रख जाएगी बाकी पांच पैरामीटर्स हम इसी से डिराइव करेंगे ओके okay, तो वी वन और वी टू इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू हमेशा ऐसे रख लो अगर याद करने का तरीका बता रहा हूं वी वन इज इक्वल टू आई वन ओके एंड आई टू इसको देखो एंड प्लस ओके सिमिलरली V2 विल ऑल्सो डिपेंड ऑन I1 प्लस I2। अभी अब पैरामीटर है तो आपको हमको हमेशा पे Z लिखना है ये Z लिख दिया यहां पे भी Z लिख दिया यहां पे भी Z लिख दिया यहां पे भी Z लिख दिया क्योंकि वोल्टेज है तो वोल्टेज दैट विल बी इक्वल टू Z इन टू अब ये हो गया जेड पहली रोआ है तो वन जेड वन टू सिमिलरली ये सेकेंड रो है जेड टू वन और जेड टू टू सो दिस दिस टू इक्वेशन आर कॉल्ड जेड पैरामीटर और इम्पिटेंस पैरामीटर इक्वेशन ये जो यहाँ पे ब्लू बॉक्स के अंदर है ठीक है क्या काम में आएगी आपको बस ये याद रखनी है और मतलब हमने बेसिकली पूरा जो टू ये नेटवर्क था टू पोर्ड नेटवर्क बेसिकली इसको हमने किसमें तोड़ लिया इस इक्वेशन के अंदर ठीक है इसी इक्वेशन को हम मेट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं सी V1, V2, Z1, 1, Z1, 2, Z2, 1, Z2, I1, I2, डिपेंडेंट okay? वेरिएबल्स, जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं इस दो इंडिपेंडेंट पे। अब इंपिडेंस पैरामीटर्स क्यों कहते हैं इनको Z11, Z12, Z21, Z22 वन टू जेड टू आर कॉल्ड इम्पिडेंस पैरामीटर्स क्यों देखो Z11 अगर आप देखोगे Z11 वन वन सपोज फॉर एग्जाम्पल ये क्वान्टिटी आई टू मेरी जीरो आई टू इज जीरो वन की वैल्यू क्या होगी V1 वन अपॉन आई और V अपॉन आई क्या होता है इम्पिडेंस सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वन सेकेंड अगर मैं, अगर मैं आई वन को जीरो पुट करता हूं आई वन जीरो पुट है तो जेड वन टू की वैल्यू क्या आएगी वी वन अपॉन आई टू अगेन वोल्टेज अपॉन करंट आ रहा है अगेन इट इज इंपिडेंस यानी जेड टू वन जेड टू सब इन सब यूनिट क्या है ओम ओके okay, और ये सारे के सारे हैं क्या इम्पिडेंस है इनकी यूनिट ओम्स है और है ये व्हाई ऑल दिस होल इक्वेशन इज कॉल्ड जेड पैरामीटर इक्वेशन ओके सो जेड टर्म आर कॉल्ड इम्पिडेंस पैरामीटर्स और सिंपली और कैसे फाइंड करोगे आप देखते हैं ये सर्किट uh, आप ये भी ले सकते हो ये वाला सर्किट ले सकते हो सर्किट ए ड्राइवन बाई वोल्टेज सोर्स दोनों में वोल्टेज ले सकते हो या फिर करंट भी ले सकते हो ओके okay, कोई दिक्कत नहीं है करंट 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 इनपुट हो गया वोल्टेज की की वजह वजह से से फ्लो फ्लो कर कर रहा है, कर रहा है है या फिर कह सकते हो आईवन वोल्टेज सोर्स है मेरा और विवन वोल्टेज इसके क्रॉस है कुछ भी ले सकते हो हम नॉर्मली ये वाला लेते हैं इम्पिडेंस पैरामीटर के अंदर ये ये वाला फॉर्मला ये वाला सर्किट लेते हैं इम्पिडेंस के लिए और ये वाला सर्किट लेते हैं हम किसके लिए एडमिटेंस के लिए

v1 और V2 पे, as it is, लिख दिया, प्लस साइन प्लस साइन ओके नाउ अब हमें यहां की जगह y लिखना है y y ये y11 दिस विल बी y12 एंड दिस विल बी y21 दिस विल बी y22 ओके okay. ये हो गई अब इसमें v1 और v2 क्या है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड i1 वन एंड आई टू आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स उल्टा तो अब देखो अगर आप वाई वन वन निकालना चाहते हो सपोज वाई वन टू को v2 को मैंने जीरो कर दिया शॉर्ट सर्किट कर दिया v2 को हटा दिया वाई वन वन की वैल्यू क्या आएगी i1 वन अपॉन वी वन आई बाई वी क्या होता है अपॉन एडमिटेंस तो इन सब की Y1, निकालो Y2, निकालो सबकी यूनिट क्या आएगी ओम इनवर्स और सेमस

ये ध्यान रखने वाली चीज है बहुत इजी स्टेप है रटने की जरूरत ही नहीं इनको सिर्फ ये इक्वेशन अगर आपने याद रख ली दिस इक्वेशन फर्स्ट हमेशा याद रखना वी वन वी टू रखो और ये इक्वेशन लिख दो सिंपल आई वन और आई टू पर डिपेंड कर रहे हैं आई वन आई टू पर दोनों पे जेड वन जेड वन टू जेड टू वन जेड टू ठीक है कैसे किया है? वो देख लीजिए आप अब जब भी सपोज ये मेरा सर्किट है मैंने ये सर्किट लिया है ओके मुझे क्या कैलकुलेट करना है मुझे सभी पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं और मेरे चार पैरामीटर्स हैं इसके अंदर कौन-कौन से Z11, Z12, Z21 और Z22। ओके, सो लेट मी कैलकुलेट Z11। ओके अब Z11 कैलकुलेट करने के लिए मुझे I2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो तो अगर इस सर्किट के अंदर I2 की वैल्यू जीरो कब होगी ये बताओ मुझे I2 की वैल्यू जीरो होगी जब ये वी ओपन सर्किट होगा आई टू की वैल्यू जब भी होगा ओपन सर्किट के अंदर आई टू वैल्यू जीरो हमने ओपन सर्किट कर दिया ओके, सी दिस सर्किट फिगर ए, ओपन सर्किट कर दिया तो आई टू की वैल्यू क्या होगी? जीरो तो आई टू की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में जीरो पुट करी तो जेड वन वन की वैल्यू क्या आ गई वी वन अपॉन आई वन सी वी वन अपॉन आई वन जेड वन वन ओके वी अपॉन आई

अब मुझे जेड वन टू और Z22 चाहिए तो उसके लिए मैं क्या पुट करूंगा I1 को जीरो पुट कर दूंगा आ जाएगा I1 वन जीरो पुट I1 वन जीरो का मतलब ये टर्मिनल इनपुट टर्मिनल ओपन सर्किट हो गया सी फिगर बी ये वाले देखो V2 लगा हुआ I2 लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं I1 वन जीरो हो गया V1 वन ओपन सर्किट वोल्टेज तो होती है अब यहां से जैसे ही आपने इसको पुट जीरो किया तो जेड आ गया जेड की वैल्यू क्या आएगी वी वन अपॉन आई ओके सिमिलरली जेड टू टू आ जाएगी जेड टू टू की वैल्यू क्या वी टू अपॉन आई टू ओके तो कैसे निकालना है आप समझ में आ गया कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए आप तो उसकी ये इक्वेशन लिखो दिस मेन इक्वेशन ये वाली दिस इज मेन इक्वेशन ओके ये आपने लिख ली फिर जैसे जैसे अगर आप जेड वन वन निकालना है तो मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा जेड वन वन और जेड टू वन निकालना है तो आई टू को जीरो पुट करना पड़ेगा आई टू का जीरो का मतलब जो भी सर्किट दे रखा है उसको आई टू जहां पे भी करंट फ्लो कर रहा है उसको ओपन कर दो तभी जीरो आएगा अब उससे केवियल केसिल लगा के आप सॉल्व कर लो और वी वन अपॉन आई वन का रेशियो निकाल लो और वी टू अपॉन आई वन का रेशो निकाल लो तो उससे जेड वन वन आ जाएगा जेड टू वन आ जाएगा सिमिलरली उसी सर्किट के अंदर अब इनपुट साइड जहां पे आई वन करंट फ्लो कर रहा है उसको ओपन सर्किट कर दो उससे जेड वन टू और जेड टू टू आ जाएगा तो देखो ठीक है एक बार इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करना पड़ता है एक आउट, एक बार आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करना पड़ता है तो जेड वन वन आ गया जीरो तो देखो ये जेड वन वन और जेड टू कब कब आए जब आई टू की वैल्यू जीरो रखी सिमिलरली जेड वन टू और जेड टू टू कब आया जब आई वन की वैल्यू जीरो पुट कर आई टू की वैल्यू जीरो पुट करी सॉरी ओके जीरो का मतलब ओपन सर्किट अब देखो ये पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट किए सर्किट को ओपन सर्किट करके ठीक है सो कॉल्ड ओपन सर्किट अगर अब आपको इसकी इनपुट इंपेंस निकालनी हो इस इस सर्किट की इनपुट इम्पिटेंस निकालनी हो ठीक है इनपुट इंपर्डेंस uh, क्या होगी अगर कोई बोले तो वी वन अपॉन आई वन होगी ये तो होगी आउटपुट इंपर्टेंस क्या होगी V2 टू अपॉन आई तो ये आपको दिख रहा है पे, V1 तो क्वेश्चन में आपको जेड वन वन ना पूछ के पूछ सकता है कि इनपुट इंपोर्टेंस निकालो और आउटपुट इम्पोर्टेंस निकालो ये क्या है Z12, वन टू जेड टू वन दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर ओके तो देखो ये सबको डिफाइन कर रखा है यहां पे

बराबर हैं तो मेरा सर्किट और मेरा नेटवर्क क्या कहलाएगा सिमेट्रिकल ओके अगर दोनों की वैल्यू बराबर आई सिमेट्रिकल का मतलब हम इस नेटवर्क को इक्वली इस नेटवर्क को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आराम से सिमेट्रिकल है वो मिरर इमेज है जस्ट ओके नाउ फिर दूसरा वन टू ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे जेड वन टू अगर इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो ये लिख रखा है ना मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे ये रहा अगर Z11 और Z22 ये दोनों बराबर होते हैं तो मेरा क्या कहलाएगा सिमेट्रिकल है और है, और और ये ट्रांसफर Z21 Z21 Z12 Z12 और Z21, अगर मेरा बराबर है दैट द नेटवर्क इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल नेटवर्क ओके रेसिप्रोकल रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ा है हमने ओके okay? वो एप्लीकेबल होगा इस नेटवर्क पे इसका मतलब एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स एक्साइटेशन का मतलब इनपुट और रेस्पॉन्स मेरा अमीटर करंट अगर इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो जो अमीटर की रीडिंग है वो चेंज नहीं होगी समझ में आया ये हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ा है ओके okay? सो so, ये Z12 वन Z1 टू जेड टू वन अगर कंडीशन सप्लाई करती है तब और ये तभी पॉसिबल है जब आपका नेटवर्क इस नेटवर्क के अंदर बेसिकली कोई भी डिपेंडेंट सोर्स ना हो डिपेंडेंट वोल्टेज और डिपेंडेंट करंट सोर्सेस ओके okay. अब अगर नेटवर्क मेरा सिमेट्रिकल भी है ध्यान रखना सिम, आ, सिमेट्रिकल का मतलब Z11 वन वन बराबर जेड टू टू एंड रेसिप्रोकल भी है रेसिप्रोकल का मतलब Z12 वन टू बराबर जेड टू वन तब हम इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सर्किट से टी नेटवर्क से या फिर जनरल इक्विलेंट सर्किट से देखो मतलब Z11 वन वन ये अगर आपका टी है टी का मतलब टी के फॉर्म में कर दिया मैंने नेटवर्क को ये जो ये जो बीच वाला सॉरी आपका सर्किट था ये वाला दिस वन लीनियर नेटवर्क इट इज सेपरेटेड इन टू पार्ट और इसको हमने लीनियर नेटवर्क को किससे रिप्रेजेंट कर दिया एक टी नेटवर्क से ओके टी नेटवर्क ये आपको दिख रहा है दिस देखो टी नेटवर्क और टू पोर्ट नेटवर्क वी वन आई वन देखो वी टू आई टू अंदर जा रहा है ये ये था टू पोर्ट देखो ये अंदर अपना टू पोर्ट नेटवर्क था उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इम्पिडेंस पैरामीटर में जिसका ये वाली जो ब्रांच है इसका है 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 ओके और ये है वन 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 टू, और ये है टू टू वन टू। ये ये Z11 याद रखना आप मतलब के लिए ध्यान रखता है वैसे याद नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं आप आपका जो भी सवाल है वो इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा कौन सी से दिस टी नेटवर्क एनालाइसिस ऑफ दैट सर्किट और कैसे याद रखोगे ये जेड वन वन माइनस जेड वन टू जेड टू टू माइनस जेड वन टू ओके ना ये अभी रेसिप्रोकल के लिए बनाया है मैंने है ना सिमेट्रिकल हो तो भी ये ब्रांचेस और ये ब्रांचेस भी सेम हो जाएंगे अब इसी इक्वेशन को क्या था इक्वेशन क्या थी अगर अपनी मेन इक्वेशन अगर याद करने का वी वन इज इक्वल टू आई वन जेड वन वन प्लस आई टू जेड वन टू इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वी वन क्या होगा देखो वी वन है आई वन इंटू जेड वन वन देखो आई वन इंटू जेड वन वन आ गया केवीएल लगा रहा हूँ माई केवीएल इक्वेशन फिर आई टू इंटू जेड वन टू आया देखो ये आई टू ये एक वोल्टेज सोर्स होगा डिपेंडेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है ये वोल्टेज सोर्स I2 आउटपुट पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है आई I2 पैरामीटर है सिमिलरली दूसरी इक्वेशन आई थी कौन सी V2 इज इक्वल टू जो इक्वेशन है दूसरी आई वन जेड टू वन देखो ओके okay, i1 z21 देखो ये डिपेंडेंट सोर्स प्लस i2 z2 तो इन दोनों के इक्वेशन को ही मैंने ये उल्टा रिवर्स चलाया नेटवर्क को सिंथेसाइज किया है ठीक है तो ये याद रखो तो रखो ये बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है ये वाला याद रखना ये वाला सर्किट टी नेटवर्क में बहुत मतलब इजी कैलकुलेशन में सही रहता है अगर नेटवर्क उसने क्वेश्चन में दे रखा सिमेट्रिकल है तो आप डायरेक्ट उस नेटवर्क को पूरे को इस नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं बाकी हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तब तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा ओके नाउ दूसरा अब हर एक जो भी दो टर्मिनल्स है उनका टू पोर्ट टू पोर्ट नेटवर्क हर एक का जेड पैरामीटर नहीं निकल सकता फॉर सम टू पोर्ट नेटवर्क्स द जेड पैरामीटर डू नॉट एक्सिस्ट बिकॉज दे नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय मेन इक्वेशन मेन इक्वेशन क्योंकि network, uh, कौन सी इक्वेशन से आया इस वाली इक्वेशन से ये है मेरी मेन इक्वेशन तो इससे हर एक टू पोर्ट नेटवर्क डिफाइन नहीं होता जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मर ये ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर मेरा टू पोर्ट नेटवर्क है नो डाउट बट क्या हम ये डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर क्योंकि ट्रांसफर की जो इक्वेशंस आती हैं वो एक पैरामीटर और पे डिपेंड करती है किस पे टर्न्स रेशियो तो ये z पैरामीटर टर्न्स रेशियो डिफाइन नहीं करता ओके तो z पैरामीटर आपका ट्रांसफार्मर का नहीं निकल सकता ओके ट्रांसफार्मर का कौन सा पैरामीटर निकल सकता है वो है हाइब्रिड वो देखेंगे हम h पैरामीटर हाइब्रिड हम पढ़ चुके हुए से h पैरामीटर मॉडल पढ़ा है आपने bjt का ओके H पैरामीटर मॉडल वो यहीं से आया, ओके? Okay? H पैरामीटर क्या है पढ़ लेंगे, ठीक है? So, इस इसका जेड पैरामीटर तो पॉसिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मर का कौन सा पॉसिबल है हाइब्रिड H पैरामीटर दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड हाइब्रिड क्या हम पढ़ेंगे के तो अभी तो सिर्फ ये समझो ठीक है नाउ लेट्स एनालाइज दी सर्किट एग्जाम्पल देख लेते हैं एक ओके डिटरमाइन दी जेड पैरामीटर ऑफ द सर्किट दिख रहा है आपको इस सर्किट ये सर्किट दे दिया आपको ना कुछ दे रखा वी वन दे रखा ना आई वन दे रखा कुछ नहीं दे रखा तो सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना है एक मैं दो दो तरीके हैं एक तो ये तरीका कौन सा है आपको ये दिख रहा है कौन सा नेटवर्क दिख रहा है टी नेटवर्क दिख रहा है ये तो अगर टी नेटवर्क से अगर आपको याद है टी नेटवर्क में ये पैरामीटर क्या है जेड वन टू है ये जेड वन टू कितना है फोर्टी ओम है ओके okay. सिमिलरली ये ट्वेंटी ओम की जगह क्या था यहाँ पे अगर मैं बात करूं अगर आपका हो Z11 -Z12, ये होगा जेड वन वन माइनस जेड वन टू एक रिलेशनशिप दे रखिये जेड वन वन माइनस जेड वन टू की वैल्यू की, है, 20 की दे रखिए ट्वेंटी ओम सिमिलरली ये किसकी वैल्यू दे रखी जेड टू टू माइनस जेड वन टू वो कितनी दे रखी है थर्टी ओम तो आपको तो Z12 की वैल्यू पता है तो इससे Z11 की भी वैल्यू आ जाएगी Z22 की वैल्यू आ जाएगी और Z12 की तो ये कहां से आया? नेटवर्क मेरे को दिख रहा है तो इसलिए देखो डायरेक्ट इस सर्किट से मैंने सॉल्व कर लिया मेथड टू है ये सी मेथड टू कंपेयरिंग विद टी नेटवर्क जेड वन टू इजिकल टू जेड टू वन वो कितना आया फोर्टी ओम और जेड वन माइनस जेड वन टू कितना आया ट्वेंटी ओम है? और जेड टू टू माइनस कितना आया थर्टी हो बस पता ही है मुझे जेड वन टू और जेड टू वन की वैल्यू फोर्टी हो या बुट ही ही आ जाएगा। ये तो हुआ इसलिए बाकी हमेशा मेथड वन ही लेके चलो मेथड वन जो आपका सदाबार है लेट्स सी क्या कैसे सॉल्व करना है उसको आ, ओके मेथड वन में हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन है आप इसमें लिख लो ये मेरा इनपुट वोल्टेज है प्लस माइनस नहीं दे रखा तो ये लिख लो है ना और ये करंट अंदर एंटर कर रहा होगा सिमिलरली यहाँ पे वी टू होगा प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट ऐसे एंटर कर रहा होगा अगर ये लिख लिया बस खत्म फिर आपको क्या करना है आ, ए बी जो इसकी जेड पैरामीटर ने बोला है, है तो जेड पैरामीटर की इक्वेशन लिखनी है बिना सोचे समझे तो आपको जानते हो जेड पैरामीटर में आप वी वन लिखो यहाँ पे वी टू लिखो है ना इक्वल टू पुट कर दो और ये किस पे डिपेंड कर रही है आई वन पे और आई टू पे याद कुछ नहीं कर रखना आपको बस सिंपल लॉजिक लगाना है आई वन ये भी आई वन और ये भी आई टू ठीक है ये प्लस साइन मैंने यहाँ पे डाल दिए ओके okay, अभी पूरी न्यू इक्वेशन लेट मी राइट अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है जेड दिस इज जेड दिस इज जेड एंड दिस इज जेड ये जेड वन वन है ये जेड वन टू है और ये जेड टू वन है और ये जेड टू टू है ये मुझे क्या Z1, Z1, तो सर्किट तो मतलब और यहाँ पे वोल्टेज लगा दो ठीक है तो सी सर्किट वन देखो फिगर ए वी वन वोल्टेज लगा दिया आई वन कर आई टू जीरो है क्योंकि वी टू ये वाला ओपन सर्किट है ठीक है बस ये सर्किट बन गया अब मुझे क्या करना है केवीएल लगाना है इसके अंदर सिंपल लगाओ क्या बनेगा V1 20, अब I2 तो, तो केवियल तो मतलब तो तो KV, लगाना है यहाँ पे तो वी वन इज इकल टू क्या आ जाएगा सिक्सटी आई वन वी वन इज इकल टू सिक्सटी आई वन यहां से आ चुका अब ये आ चुका अब जानते हो आई जेड वन वन क्या होता है V1 I1? इन दोनों का तो जेड वन वन की वैल्यू कितनी आ गई सिक्सटी सी सिमिलरली जब आपने I2 को पुट किया तो भी कैलकुलेट हो जाएगा की वैल्यू रिलेशनशिप देखना है मुझे बताओ आई वन करंट यहां से जा रहा है Let me rub this. One अब आई वन करंट यहां जा रहा है यही तो आई वन करंट इसमें जाएगा और प्लस आई टू जाएगा इसके अंदर बट आई टू जीरो है तो अब वी टू वोल्टेज इसके अक्रॉस है इसके अक्रॉस ही तो है V2 40 ओम के अक्रॉस क्योंकि इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा 30 ओम के अंदर तो कोई मतलब ही नहीं सारी ड्रॉप है ही तो V2 पूरा 40 ओम के अक्रॉस आ जाएगा V2 की वोल्टेज क्या हो जाएगी करंट देखो साइन ध्यान रखना जरूरी है प्लस से माइनस करंट अंदर जा रहा है तो पॉजिटिव है 40 I1 अगर ये अपोजिट जाता तो ध्यान रखना तो ये वी टूल टू फोर्टी जेड टू वन क्या होता है का का रेशियो रेशियो कितना आ गया फोर्टी बस तो देखो जेड वन वन आ गया और जेड टू वन आ गया ठीक है अब नेक्स्ट मुझे जेड वन टू और जेड टू टू निकालना है तो उसके लिए मुझे आई वन को जीरो पुट करना पड़ेगा तो यहाँ पे इसको ओपन सर्किट रखो यहाँ पे वोल्टेज लगा देना सी फिगर बी ओके दिस फिगर भी देखो वी टू लगा दिया आई टून रख दिया और वी वन को ओपन रख दिया आई वन जीरो सेम वही केवीएल लगा हुआ वापस देखो वी टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिक्स सेवनटी आई टू तो सेवेंटी मेरा जेड टू टू हो गया आउटपुट इम्पिडेंस ठीक है और ये वाला V1 पूरा किसके अक्रॉस तो V2 क्या आ जाएगा 40 आई तो अगेन Z21 Z12 क्या आ गया 40 क्या ओम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो अब कोई पूछे ये रेसिप्रोकल सिमेट्रिकल है क्या तो देखते हैं Z11 बराबर Z22 है क्या नहीं है देखो सिक्सटी है सेवनटी है येड वन वन है जेड टू टू है तो सिमेट्रिकल तो नहीं है रेसिप्रोकल है क्या रेसिप्रोकल के लिए क्या कंडीशन है Z1, 2, बराबर Z2, हो जाएगा दोनों है yes, the network is reciprocal. तो reciprocal है द नेटवर्क नेटवर्क इज रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल तो तो उसका हम टी बना सकते हैं ओके okay, तभी इसको मेथड टू से भी किया है ठीक है चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम वाई पैरामीटर चालू कर देंगे आज आपका बेस डेवलप हुआ है व्हाट इज टू पोर्ट नेटवर्क ठीक है तो ये क्वेश्चन दे रखा है देखो इनपुट में वोल्टेज हंड्रेड एंगल जीरो दे रखी है V2. क्या ये हम, हम इसको टी नेटवर्क से कर सकते हैं क्या नेटवर्क के लिए क्या होना चाहिए uh, तो जेड वन चाहिए तो जे ट्वेंटी है और जेड टू वन जे बराबर नहीं है तो ये रेसी तो है ही नहीं नेटवर्क तो इसको हम जो अपनी पहली कंडीशन है जो हमारी मेन इक्वेशन है उससे करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको आ, आप उस नेटवर्क से सिंपल इस फिगर से भी कर सकते हो कौन सी फिगर से जो यहां पे मैंने बनाई थी ये वाली फिगर भी ले सकते हो इसको मत रखो याद आप तो इक्वेशन याद रखो यही कौन सी ये वाली इक्वेशन बस ये इक्वेशन थी मेन इक्वेशन इससे कर लो या इससे कर लो अब इसके अंदर आपको जो जो क्वांटिटी दे रखी है वो लिख लो v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हंड्रेड और i1 पता है नहीं मुझे ठीक है नाउ जेड वन जेड वन टू जेड टू वन सबकी वैल्यू दे रखी है देखो ये दे रखी है इनकी वैल्यू दे रखी है मुझे फाइंड 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 क्या करना है I1 I2. I1 और I2 की कर है है द वैल्यू वैल्यू ऑफ एंड और की करनी ठीक तो अब z पैरामीटर की इक्वेशन ले रखी है तो मैं डायरेक्ट अगर ये कॉम्प्लेक्स सर्किट होता अंदर कुछ दे रखा रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस तब हम केवीएल कैसे के लगा दे लेकिन अब मुझे पता है ये जेड जेड पैरामीटर्स दे रखे हैं तो मैं कौन सी इक्वेशन लिखूं इनडायरेक्टली देखो इसमें क्वेश्चन में मुझे कहा नहीं गया कि जेड पैरामीटर से सॉल्व करो बट मुझे

वी uh, टू और I2 में क्या रिलेशनशिप है देखो I2 टू करंट ऊपर जा रहा है तो V2 की वैल्यू क्या होगी ध्यान रखने वाली चीज माइनस टेन आई टू ध्यान रखना है आप लोग इसको कई बार मैक्सिमम लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर देते हैं प्लस टेन आई कर देते हैं वी टू इज दो वोल्टेज अक्रॉस टेन ओम ओके तो I2 करंट ऊपर जा रहा है अगर नीचे जा रहा तो तो प्लस टेन आई जाता तो ये V2 की वैल्यू आ गई माइनस टेन आई ध्यान रखने वाली चीज है देखो बस ये दो आ गई इससे i1 और I2 की वैल्यू निकालनी है कुछ नहीं करना देखो पहली वाली में हमने क्या रखा इसके V2, V2 की वैल्यू हम जानते हैं हंड्रेड तो आई वन का वैल्यू आ जाएगी आईवन की आई टू की वैल्यू आ जाएगी तो आई वन आई टू की वैल्यू आ गई गईन इज टू एंड आई टू इज वन एंगल माइनस नाइन ओके और माइनस जे ठीक ठीक है, है है ये ये जो नर, अंदर network है, ये complex circuit है। तो अब हमने पढ़ा आज के टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है वन पोर्ट क्या होता है और पोर्ट क्या होता है उसकी कंडीशन क्या है दूसरा आ, इसको जो इक्वेशन याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है ये वाली हमेशा दिस डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं इंडिपेंडेंट कौन से वो ध्यान रखना है इम्पिडेंस हमने पढ़ा है छह पैरामीटर हम पढ़ेंगे पहला इम्पिडेंस पैरामीटर पढ़ लिया नेक्स्ट क्लास में हम एडमिटेंस पढ़ेंगे एडमिटेंस सिंपल ही है कोई ज्यादा नहीं है ओके नाउ सो टू पोर्ट नेटवर्क दूसरा कहा में बेसिकली यूज में आ रहा है कम्युनिकेशन के अंदर भी जहां पे भी बीजेटी वगैरह लगा रखा है वहां पे काम में आ रहा है कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक इजी वे में सॉल्व करने का तरीका है बहुत सारे टू पोर्ट नेटवर्क ठीक है एक मेथड ही है बस सो लेट्स एंड द क्लास ईयर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे एडमिटन्स पैरामीटर और एक और पैरामीटर ले लेंगे ठीक है टोटल छः पैरामीटर हमें पढ़ने हैं तो एग्जांपल बता देता हूँ कौन कौन से हैं जेड पैरामीटर हमने पढ़ ही लिया वाई पैरामीटर पढ़ेंगे फिर उसके बाद में हाइब्रिड पैरामीटर है फिर इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर है फिर उसके बाद में एबीसीडी पैरामीटर है उससे हम ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहते हैं और इनवर्स एबीसीडी पैरामीटर भी ये टोटल छः पैरामीटर है जो वी और आई के कॉम्बिनेशन से बनते हैं ओके Now let me stop the recording.